कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इसी को चरितार्थ करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि और पूर्व विधायक राजेश मिश्रा ने उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों ने ही अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी रखने का इरादा जताया है। मेरठ के हसीनापुर सीट से 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके प्रभुदयाल वाल्मीकि ने 59 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पास कर ली। मंगलवार को घोषित परिणाम में उन्होंने यह परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है। प्रदेश के रेशम उद्योग राज्य मंत्री रह चुके वाल्मीकि का कहना है कि वह 10वीं पास थे। इस वर्ष उन्होंने बागपत के आदर्श इंटर कॉलेज जुहाड़ी से इंटर की परीक्षा दी। मंगलवार को आए नतीजे में वह द्वितीय श्रेणी से पास हो गए। वाल्मीकि ने कहा कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा से पढ़ाई दोबारा शुरू की। उनका कहना है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। उधर बरेली के बिथरी चांदपुर विधानसभा सीट से पूर्व भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने 55 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली। मिश्रा अब कानून में स्नातक यानी LLB की शिक्षा लेने की योजना बना रहे हैं। वर्ष 2017 से 2022 तक बिथरी चांदपुर से भाजपा विधायक रहे मिश्रा ने कहा कि 2 साल पहले मैंने कक्षा 10वीं की परीक्षा पास की थी, अब मैंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली है। अब मैं LLB करना चाहता हूं ताकि मैं गरीब लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर सकूं। हालांकि कुल 500 में से 263 अंक हासिल करने वाले मिश्रा 3 विषयों में खुद को मिले अंक से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच दोबारा करवाऊंगा ताकि अंकों को जोड़ने में कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। मिश्रा ने हिंदी में 57, नागरिक शास्त्र में 47, शिक्षा शास्त्र में 42, ड्राइंग डिजाइन में 36 और समाज शास्त्र में 81 अंक हासिल किए। LLB की तैयारी की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि जब मैं विधायक था तब मैंने महसूस किया था कि समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिलता है क्योंकि गरीब लोग एक अच्छे वकील की सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। मैं ऐसे लोगों का वकील बनना चाहता हूँ।